चोरों को वोट देकर करप्शन खत्म हो सकती है और ना ही जालिमों को इख्तदार देकर इंसाफ मिल सकता है। कर्ज को खुदकुशी करार देने वालों ने हुकूमत में आकर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक पीटीआई सरकार पर बरस पड़े, बोले वजीर आजम की कब्र में सुकून की बात से लगता है कि वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। पूछते हैं कि इंसाफ तो कायम नहीं हुआ, लोग वोट देते हैं चोरों को और फिर पूछते हैं कि करप्शन तो खत्म नहीं हुई, लोग वोट देते हैं अंधों को और फिर कहते हैं कि हम तो मंजिल तक नहीं पहुंचे। इसलिए नौजवानों, अपनी इस कौम को रहनुमाई मुयस्सर करो। इस हुकूमत ने आने के बाद 31,000 से जंप लगाकर 41,000 अरब में तब्दील किया, जिनका दावा यही था कि कर्जा लेना खुदकुशी है, जिनका ऐलान यही था कि खुदकुशी करूंगा लेकिन मैं वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ नहीं जाऊंगा। ये जो वजीर आजम ने कहा है कि सुकून मिलेगा कब्र में, मैं कहता हूं कि सुकून अल्लाह ताला करे कब्र में भी मिले, लेकिन हमने इस दुनिया को भी पुरसुकून बनाना है। कब्र में सुकून की बात की उसने, अपनी हुकूमत से मायूसी की बात कर रहे थे और उनका पैगाम यही था कि अच्छाई की उम्मीद कम से कम दुनिया में ना रखे, आखिरत में सुकून पर तवज्जो दे रहे।